विधान परिषद में शपथ लेते ही नव निर्वाचित आमदार चंद्रशेखर बावन कुलेन ने क्षेत्र के विकास कार्यों का बिगुल फूंक दिया है, जिसके चलते उन्होंने कन्हा नगर परिषद कार्यालय में भेंट दी, जहां नगर अध्यक्ष करुणा अष्टनकर ने उनका जमकर स्वागत किया। आमदार चंद्रशेखर बावन कुलेन ने सभी नगर सेवकों और नगर अध्यक्ष को विकास कार्यों को लेकर कटिबद्ध होने की बात कहकर किसी भी कार्य को लेकर हक से आने न्योता भी दिया, जो कि अब तक के विधान परिषद के इतिहास में पहली बार ही हुआ है, जिससे जनसामान्य में फिर एक बार खुशी की लहर दौड़ती दिखाई दे रही है। विधान परिषद के नव निर्वाचित आमदार चंद्रशेखर बावन कुले ने कन्हा नगर परिषद के सभी नगर सेवक, नगर अध्यक्ष और आम जनता की भी मूलभूत समस्या सुनकर उन्हें आश्वस्त किया और हर समस्या का निराकरण जल्द से जल्द कैसे हो इस विषय पर प्राथमिकता देने की बात कही। वहीं बीते 6 वर्षों से कछुए की चाल से बन रहे कन्हा नदी पुलिया के शीघ्र पूर्ण होने की, मेट्रो कन्हान तक पहुँचाने की और कन्हान के सर्वांगीण विकास के लिए डीपी प्लान को प्राथमिकता देने की बात कही, जिससे पक्ष विपक्ष के सभी नगर सेवकों में खुशी की एक लहर दौड़ उठी। मला वाटतं आता 90% काम पूर्णत्व झालं आहे। मागच्या सरकारच्या काळात मी 5 वर्ष पालकमंत्री म्हणून नितीनजी गडकरी साहेबांच्या माध्यमातून नॅशनल हायवेचा नागपूर कन्हानपर्यंत नॅशनल हायवेचा मोठा काम आम्ही केलं। आज नागपूर मेट्रो रेल्वेचं सुद्धा शाही मंदिरपर्यंत आणण्याचा आमचा दुसरा टप्पा अंतिम मंजुरीमध्ये आहे, त्याचं लवकरच टेंडर होत आहे, साधारण वर्षभरात ते काम चालू होईल। मला वाटतं तो खूप काळ लागणार नाही, 1-1.5-2 महिन्यामध्ये मी त्या मागे लागून तो पूल चालू करण्याचा प्रयत्न करणार आहे। आणि ती मोठी समस्या कन्हानची, मेट्रो रेल्वे आणि हा पुलाचं काम, हे दोन्ही कामं लवकरच मार्गी लावेल। कन्हान से BCN न्यूज के लिए संवाददाता दिनेश नानवटकर के साथ प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट।